लो अभी कार्टर रोड आए ले इधर खाने के लिए। माजिन भाई बोलते इधर शोरमा बहुत फट्टे मिलता है। चार बज चुके हैं अभी, जस्ट मैंने एक शूट खत्म किया सुबह से, फोटो थंबनेल एडिट किया फोटोशॉप पे, और अभी ये ऐसा एक एनर्जी मेल्ट टाइप कुछ तो भेजे थे उन्होंने, उसका शूट मैंने खत्म किया। फ्रेम देख रहे हो एकदम मेजरिस्टिक लग रहा है, अपने पीछे के लाइट्स से मस्त लग रहा है ना। आज हम लोग जा रहे हैं क्लर्क भाई के घर पे, हाइड्रा भाई आए हुए, कुछ तो सीन बन रहा है मजबूत सा, तो मैं सोचा व्लॉग भी कर लेते हैं, अच्छा बाहर है। बराबर टाइम देख के आया हूँ मैं, मालूम क्या अभी 4 बजे ना, 5 बजे अगर मैं निकलता ना तो फट्टे मेरे को रश मिलता। तो अभी अपन ट्रेन से आए, ट्रेन से इट टेक्स 20 रुपीज, अभी रिक्शा से लगेंगे कुछ समझो 150 रुपीज, ठीक है ना। रिक्शा से लगेंगे कुछ 150 रुपीज, टोटल ऑफ 170 रुपीज लगेंगे। अगर मैं कैब करता ना डायरेक्ट मेरा 400 जाता, मालूम बोला क्या नाम है अजून पुढ़े गए बच्चा। कितवी में हो तुम लोग? कितवी में हो तुम लोग? यूट्यूब पे किसको देखते हो तुम लोग? सौरव जोशी को देखते हैं। कौन कौन राइ स्टार कौन है? क्या बात है, क्या बात है। और तुम लोग किसको देखते हैं? क्या बात है। गेम वेम खेलते हो क्या? गेम खेलते हो? कौन सा? फ्री फायर। लेट्स गो, फ्री फायर बेस्ट भाई। हाँ मैं फ्री फायर खेलता था, अभी बैन हो गया ना, नहीं खेलता मैं। डालना खुल सर्च में जाओ। ये मैं फ्री फायर नहीं खेलता रे, मैं दूसरा गेम खेलता हूँ। मेरे को यूजुअली है ना 450 वगैरह रुपीज लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, 450-430। आज मैं करेक्ट 200 रुपीज में आया हूँ। पहले ट्रेन से आया, फिर वहाँ से रिक्शा पकड़ा, थोड़ा और बचा सकता था कि एक स्टॉप पे मैं शेयरिंग ऑटो पकड़ के जाऊँ फिर, बट ठीक है भाई, मैंने लिटरली 50% हमारे पैसे सेव किए। देखो तुम कितना भी पैसे कमाओ, लेकिन सेविंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और छोटे छोटे चीज़ों से जब तुम सेव करते हो, वो जो आदत बिल्डअप करते हो, तो तुम्हारी जो सेविंग्स है वो छोटी सी चीज़ें बड़ी बन जाती है, और तुम्हारे फोकट के खर्चे कम हो जाते हैं। तो हमेशा ये दिमाग में रखना। पर इसका मतलब ये नहीं कि कन्वीनियंस पे अपने लग्जरी पे पैसा उड़ाने का नहीं, अगर तुम कमा रहे हो तो तुम उसके लिए ही कमा रहे हो, बराबर की नहीं। लेकिन अगर जहाँ पे तुम सेव कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, वहाँ पे सेव करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ऐसा उड़ाना नहीं रहता। हम लोग आ गए हैं क्लच भाई के घर पे, और यहाँ पे है हाइड्रा फ्लिक गेमिंग भाई की, क्लच भाई, और यहाँ पे आदित्य भाई है। हम लोग का प्लान बन रहा है अभी बांद्रा जाने का, घूमने का, और वहाँ पे खाना पीना करने का। क्लच भाई को पानी पूरी खाने का है बहुत अच्छे से, क्लच भाई का, क्योंकि अच्छो का घूमो तो क्या है भाई। क्लच भाई के एरिया में इतने मच्छर घूम रहे, मालूम क्या काटे ना भाई क्लच भाई को, घूम ही नहीं रहे क्लच भाई, दिखाई नहीं रहे ऐसा गर्दन उनका अटक गया, इतना डेंजर तरीके से काटा है, ऐसा विषय चल रहा है। तो अभी हम लोग इधर से बांद्रा जाएंगे और वहाँ पे खाना पीना करेंगे, बोलिंग वगैरह करना है। क्लच भाई तुम सीधे मौत के कॉन्सर्ट पे गए थे मैंने सुना। अरे यार तुम्हारे लिए मैंने बोला है, रुको क्या ये लो तुम्हारे लिए एक याद ब्रो, तुम्हारी टिकट थी और तुम मेरी टिकट वेस्ट गई। वेस्ट नहीं गई मतलब ये तो मिलेगा ही ना, मेरे टिकट के बदले किसको लेके गए थे? मच्छर को लेके गए थे। हाइड्रा भाई आप क्या सीन, मतलब वैलोरेंट छोड़ के आप चेस का कुछ देख रहे हैं? हाँ ब्रो चेस सीख रहा भाई। अच्छा 13 आ रहा ना, उसके बाद से मेरे को मोटिवेशन आ रहा है कि इससे हार के तो अब तो नहीं होगा भाई। मैं एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा चेस खेला हूँ, तो आप मेरे से हार रहे हो तो इसका कुछ ये नहीं है हाइड्रा भाई। मैंने तेरे का देखा, तेरे मूव्स देखे मैंने। अरे तो मतलब गेम मैंने स्टडी किया। हाँ हम दोनों ही हार रहे थे। अच्छा आपने एनालिसिस वाला बटन दबाया? डायमंड मेंबरशिप लिया भाई। हाँ ये सब किया है। ओ भाई हाइड्रा का 3,000 रुपए
वो सब ले लिया आपने भाई, मतलब ज्यादा ट्राई हार्ड है। वो सब छोड़ो फिर हाइड्रा भाई, लेकिन रैंक ग्राइंड का आपका क्या चल रहा सीन? चल रहा है इमॉर्टल 180 आ रहा। उस दिन तो हम लोग इस पे थे, हम लोग मीटअप। मेरा तो चल, मेरा तो क्या यार, मेरा रोज का है, मेरा क्या अलग है। अपने दोनों सॉर्टेड है, हम लोग रात को मुंबई क्यों करते हैं, मस्त एकदम पाड़ते सब। हां तुम लोग ऑफ स्ट्रीम खेल के ये लोग रैंक पुश कर रहे हैं भाई, ये क्या है, ऐसा नहीं चलता, ऑन स्ट्रीम होना चाहिए जो हो रहा है वो। ऑन स्ट्रीम करेंगे पर तुम्हारे जैसा हाल हो जाएगा। हम हो गए थे वैसे हाल, हम आ गए। मैंने बोला हार्बर मत खेल No bro, मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, मैं क्या बोल रहा हूँ ब्रो, डाउटर्स लोग हैं ना, डाउट करेंगे, पर हार्बर अच्छा एजेंट है, वो हर्ष भाई भी अंदर से जानते हैं भाई। 8 किलो हो रहे भाई के। अरे तुम, मैं नया नया सीख रहा हूँ ना वो। भाई मैं बताता हूँ कैसे यूज करूंगा, तुम पहले एक वॉल डालोगे ठीक है। बता रहे क्या बात है, वॉल डालते हैं। सुनो तो, वॉल डालोगे पहले, और वो भी कैसी पता है, हेवन वाली नहीं डालोगे। ट्यूटोरियल मत बनाओ कभी, वो डेंजर ट्यूटोरियल दे रहे। इतना दुनिया भर का ट्रैफिक था ना अभी आते टाइम, तुम लोग अगर बांद्रा आ रहे हो तो गलती से ये टाइम पे मत निकलो जो हम लोग टाइम बजे निकले। हाँ ना, अपन कितने 5 बजे निकले थे, अराउंड 5:10 निकले हम लोग। एक घंटा बताया हम लोगों को, लेकिन पहुंचे हम लोग 2 घंटे में। और यहाँ पे हम लोग आए पानीपुरी खाने के लिए, मेजर स्टिक पानीपुरी है यहाँ पे, एल्को। वी जस्ट होप कि ये एल पानीपुरी ना हो, या एल्को, एल नो नो, या मजबूत गर्दी है यहाँ पे पानीपुरी के लिए। ले लिया ये, चला। अभी हम लोग रुके हमारा पानीपुरी आने के लिए। 2 प्लेट 270 मतलब एक प्लेट में 90 रुपीज का एक प्लेट है, मतलब 6 आएंगे उसमें। जो लास्ट कट था वही से अभी से रुके हम लोग, 10-15 मिनट हो गए। शायद 6 पानीपुरी नहीं मिल रही, 60 मिल रही एक प्लेट में। लाइन आगे नहीं बढ़ रही, लाइन लगे, पहली बार लाइन लगाया पानीपुरी के लिए। और ये भाई ये मस्ती कर रहा है, खाली फुकट इधर लाइन में खड़े, अब बीच में अच्छे से बात कर। हाँ बता रहा हूँ। तो ये जाएगी उसमें एक मटकी, ये जाएगा उसमें बूंदी, ये जाएगा ये पानी। ऐसा ऐसा एक्सप्लेन करने अगर ये इसमें क्या जा रहा है। लेट्स गो। कैसा क्लच भाई? अच्छा बहुत बेकार आपने एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन करते। आप बताओ हाइड्रा भाई, देखो ये खास गुजरात से आया खाने के लिए इधर, मजाक से हटके गुजरात से आए हो, उनको खिलाओ मस्त। आहा रुके हम मिड, पानी बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। आप खाइए, आप खाइए। आइए सर, कैसा लगा? ये एल्को पानीपुरी जेन्युइनली हेल्थी, मतलब अच्छा। बताओ गुरफी भाई, पानी अच्छा है? मैंने तेरे को बोला ना, बूंदी वाला पानीपुरी कभी अच्छा नहीं होता है। मुंबई का पानीपुरी मैंने इसको बोला, कांट बीट गुजरात। तो मतलब रस्ते वाले खाना चाहिए था। तो गुजरात आने वाला है, मेरे को पता है बहुत जल्द, क्योंकि मैं ही तेरे को लेके आने वाला हूँ। मैं इसको खिलाऊंगा। मुझे लेके नहीं आऊंगे ब्रो। क्या क्या? मुझे लेके नहीं आऊंगे गुजरात। तो हमारा प्लान फेल हो चुका है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैंने एक YouTube वीडियो देखा था आने से पहले, तो वो बोली थी दीदी कि अगर बांद्रा आ रहे हो तो ये जेन्युइनली ट्राई करना, बांद्रा है और ये ना खाए ऐसे कैसे होएगा। मैं जॉइन हो चुके हैं अभी माजिन द गोटी गेम। अभी माजिन को इसलिए बुलाया क्योंकि माजिन को पता है ना, इधर माजिन आसपास ही रहता है, तो माजिन इधर बताएगा कि क्या खाने का विषय है, क्योंकि हम लोग इधर खाए ना बहुत टट्टी। वो अंकल के सामने बोल नहीं सकते थे, अंकल बहुत स्माइल दे रहे थे अंकल के सामने। क्लर्च भाई बोलते हैं अरे बहुत अच्छा है अंकल। हम लोग इधर रोड पे देख रहे हैं बहुत सारे टी शर्ट वीशर्ट लगाए लेना, और उधर अंकल मेरे को बोलते, अंकल को पूछा मैं टी शर्ट से क्या, तो अंकल बोलते है ना इधर अंदर। फिर मैंने पूछा लड़कों का, बोलती नहीं लड़कियों का है। तो मेरे को क्यों दिखा रहा भाई, शायद क्लर्च भाई को देखा रहेगा। अभी हम लोग करने आए हैं बोलिंग। अच्छा इधर बोलेंगे, रुक रुक चल आगे चल, फुल पैक्ड है मां कसम। ये कैसे सब नाम है तुम लोग के, हाइड्रा क्लर, ये सब क्या है भाई? हाँ ये सब क्या नाम है भाई? गेमर्स है क्या भाई? मामा जी छोड़े आना जी, हाइड्रा भाई कम ऑन, हाइड्रा भाई फर्स्ट जा रहे भाई लोग, लेट्स गो मैन। हाँ छोड़े मामा जी, माजिन भाई के अगेंस्ट, माजिन भाई के अगेंस्ट। पहला देख रहे थे कौन
उनका बड़ा है छोटा है। ब्रो हर्ष भाई 11 के साथ जा रहे हैं, 11 के साथ जा रहे हैं। रेडी क्या? यस सर। लेट्स गो मैन। माय बॉयज। भाई मेरा हाथ जमा हो गया है, बहुत मोटा बॉल था, थोड़ा छोटा लेते। अब देख वो दिख रहा है, वो चारों मैं गिराऊंगा, आइडर भाई देखते रहो। कितना फिर एक ही बार में स्ट्राइक बोलते हैं, क्या सीन। चलो आन दो, क्या बात है भाई साहब, कड़क कड़क क्लच भाई। मैंने बड़ा बॉल चूज किया यहाँ पे, क्लच भाई क्या मारेंगे अभी और एक। हाँ स्ट्राइक है, ठीक है, देख रहे देख रहे। हैदराबाद ने इक्विपमेंट चेंज किए ले, अभी मारेंगे। रेडी? हाँ वाह कसम चल लेते अभी। रेडी? अभी रेडी। हाँ चलो। खाता नहीं खुला भाई, मेरे पास 8 राउंड और है। 8 राउंड में 8 राउंड स्ट्राइक करूंगा, ठीक है। हैदराबाद अभी स्पिन दिखाने वाले, तो यू नहीं पकड़ना है, यू पकड़ना है ठीक है, ऐसा घुमाने का। ओके ओके गॉट इट गॉट इट। ऑलराइट। ओ अरे ऐसा घुमाने का, अरे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्पिन हो गया। इसमें ऐसा रहता है लास्ट चांस में तुम 3 स्ट्राइक मारते हो तो वो पॉसिबल है। 3 स्ट्राइक? 3 स्ट्राइक भी मार सकता है। हां बैक टू बैक अगर करेगा तो। ओके या तो 1 स्ट्राइक या तो 1 स्पेयर हुआ। चांस दिख रहा है। 2 स्ट्राइक मारने पड़ेंगे जीतने के लिए। हां 2 स्ट्राइक। ऑलराइट लेट्स ट्राई। मेरे को लगता है कि हां देखो भाई ये टू होल्ड आया मेरा, वो स्पेयर मार यही मारना है, स्पेयर या तो स्ट्राइक मारना है। क्या बोला था? अभी भी स्पेयर और स्ट्राइक का चांस है। अभी भी है? यस यस एक आखिरी चांस। अभी कार्टर रोड आए ले इधर खाने के लिए, माजिन भाई बोलते हैं इधर शोरमा बहुत फट्टे मिलता है। पिछले बार माजिन जहाँ खाए थे ना लास्ट टाइम, नहीं इधर नहीं खाए थे माजिन भाई, जहाँ पे पिछले बार बोले थे ना कि शोरमा अच्छा मिलता है, वहाँ पे इतना तगड़ा शोरमा था ना भाई, उसमें तो भाई अंकल का एक फ्लेवर भी था डेंजर वाला, अंकल ने फ्लेवर डाले थे किधर से तो निकाल के मजाक सेट के। और इधर एक भाई रुके हुए एकदम पॉज हो गए ले भाई, एकदम स्टिल खड़े भाई एकदम, नहीं लेकिन पूरा दिन ऐसा थोड़ी ना खड़े रह सकते हो क्लच भाई, टैलेंट है भाई, डेंजर क्रेजी भाई, डेडिकेशन है भाई। ये भाई का ये देखो यहाँ पे QR है, इफ यू गाइस वांट टू सपोर्ट हिम। लिरिकल डांस हो रहा है यहाँ पे, अरे माँ कसम भाई कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहे भाई, वाओ क्या बात है। देखो बच्चा भी कर रहा है, देख सामने देखो क्रेजी भाई, ये उन भाई का इंस्टा है देखो और ये उनका QR है भाई। ऐसा इधर रोज है ना ये ऐसे आर्टिस्ट लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और वो जो ऐसा कैप वैप पहन के मिकी माउस वगैरह बन के आते हैं वो भी भाई जेन्युइन हसल है भाई। बट वो लोग अपने खाने पीने के लिए इतना सब कुछ करते हैं ना ब्रो, यूज रिस्पेक्ट ब्रो, यूज रिस्पेक्ट। यस सर यस सर। ये है कार्टर्स ब्लू इज द जगह का नाम है जहाँ पे माजिन भाई बोलते हैं एक मेजर स्टेक शोरमा मिलता है, और अगर अच्छा नहीं रहा तो
मार्जिन को भरेंगे। टोमेटो भाई का एक रिंग है, टोमेटो भाई रिंग देखा, और उसके ऊपर गणपति बप्पा बने हुए है, देखो कितना ब्यूटीफुल है। उनके उनके पप्पा का है। हैदराबाद भाई ने मंगाया है हैदराबादी चिकन रोल। ऐसा एड माफी खा रहे भाई, ऐसा ला इधर लाओ लाओ। ये जो है इसका टेक्सचर काफी अच्छा, अच्छा है, इसका चटनी काफी फट्टे है, पुदीना और चटनी डाल गया उसमें, आ गया है। और ये ऐसा मेयोनीज अलग से दिए ले, तो अभी ट्राई मारते आराम से, आराम अनबॉक्सिंग हो रहा है इधर भाई, फाइनली खोल लिया है यहाँ पे। कैसा है भाई? ठीक है। रात को आते आते बज गए कुछ दो तीन, फिर हम लोग खाना भी ना खाए घर पे आ गए रात के दो तीन बजे। और है ना हैदराबाद भाई के जो मॉड है टोमेटो भाई, उन्होंने अपने को एक हुडी दिया है और उसके ऊपर ये प्रिंट है। लेकिन अब क्या कोई बात नहीं, अभी किचन का काम चल रहा है हमारे, बहुत डेंजर मेरे रूम का लास्ट में होएगा, क्या होएगा वो तुम लोग को मैं बताऊंगा। लेकिन अभी भी तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो कि ये वॉल पे क्या करना है, क्योंकि ये वॉल पे मैं कंफ्यूज हूँ। अपना जो पेंटिंग है मैं सोच रहा हूँ कैमरा में ये वॉल आता है तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लगाऊ, बाकी और कुछ अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।